देखिए आर्यन कारण की जो बेल एप्लीकेशन है वो किसी भी वक्त जो है वो शुरू हो सकती है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आर्यन खान के जो वकील हैं वो कुछ देर पहले ही जो है वो कोर्ट में पहुंच गए हैं। साथ ही साथ कल जो है हाईकोर्ट के सामने आर्यन खान के वकील ने कई सारी ऐसी दलीलें रखी, कई सारे ऐसे पॉइंट्स रखे जो एनसीबी को आज जिनका सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो एनसीबी है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि आर्यन खान को जो है वो बेल ना मिल पाए। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर आर्यन खान को बेल मिल जाएगी तो इस केस में जो है काफी सारी चीजें छूट सकती हैं, जिसके चलते एनसीबी आज हर वो ना कोशिश करेगी कि वो अपना जो बेल एप्लीकेशन है वो ना होने दे। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें अगर आर्यन खान को आज बेल नहीं मिलती है तो उनके पास कल और परसों का वक्त है, नहीं तो उसके बाद उन्हों और भी ज्यादा जो है जेल में वक्त काटना पड़ेगा, क्योंकि दीपावली आ रही है जिसके चलते जो कोर्ट है काफी वक्त तक बंद रहता है। अभी तक जो आर्यन खान है वो 20 दिनों से ऑथराइज्ड जेल में बंद है, जिसके बाद अगर आज भी उन्हें बेल प्ली नहीं मिलती है तो उन्हें और भी लंबे समय तक जो है वो जेल में बंद रहना पड़ेगा। साथ ही साथ एनसीबी ये पूरी कोशिश करेगी कि हाई कोर्ट में आर्यन खान को बेल ना मिल पाए, लेकिन उसके साथ साथ आर्यन खान के जो वकील हैं उन्होंने कई सारी जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने पेश की और उन्होंने कई सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो वहाँ पेश किए, जहाँ उन्होंने ये बताया कि जिस हिसाब से जो आर्यन खान को जो है जेल में बंद किया है, ना तो उनके पास कोई ड्रग मिली है और जिस चैट के आधार पर उन्होंने इतना जो केस है उसे खींचा है वो जो चैट है वो काफी पुरानी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये तक बताया कि नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच में जो भी नोकझोंक चल रही है उसमें खान परिवार का कोई भी हाथ नहीं है, ना ही पूजा डडलानी जो है उनका भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन आज जब सुनवाई शुरू होगी तभी पता चलेगा कि एनसीबी क्या कुछ दलीलें जो है वो कोर्ट के सामने पेश करेगी ताकि जो आर्यन खान है उन्हें बेल नहीं मिल पाए। हम लगातार आपसे बता रहे हैं कि मुनमुन धमेचा, मर्चेंट और आर्यन खान तीनों के जो वकील हैं वो कोर्ट में पहुंच गए हैं और किसी भी जो वक्त है ये जो बेल एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई किसी भी वक्त जो है वो शुरू हो सकती है।